You are watching BitBNS News. Today's headlines. चाइना में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के बाद भी 145 बिटकॉइन नोड्स चलते हुए पाए गए। थाईलैंड कर रहा है क्रिप्टो टूरिज्म डेवलप, यूटिलिटी टोकन बनाने पर करेगा विचार। सितंबर में मिड कैप ऑल्ट कॉइन का सरवाइव करना हुआ मुश्किल। हजारों US मर्चेंट्स के लिए वेरिफोन लाया बिटकॉइन पेमेंट्स। इलॉन मस्क ने कहा, क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को रेगुलराइज करने की कोशिश ना करे सरकार। एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने चीवो बिटकॉइन के लिए गैस प्राइस किए कम। इंडियन बेस्ड ट्रेडर्स के लिए ओकेक्स ने मिलाए फिएट गेटवे बिटबीएनएस के साथ हाथ। बिलियनेयर इन्वेस्टर चमात पलिहापित्या ने कहा कि बिटकॉइन ने प्रभावी रूप से सोने की जगह ले ली है। withdrawal.com के डेटा के तहत चाइना में बिटकॉइन के बैन लगने के बावजूद 145 बिटकॉइन नोड्स ऑनलाइन हैं, जहां सेंट्रलाइज्ड कंपनी जैसे बिटकॉइन एक्सचेंज हुआबी और ई कॉमर्स शॉप अलीबाबा ने बिटकॉइन से दूरी बना ली है। वहीं सितंबर 24 को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने नेशन वाइड बैन लगाया है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में। अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, जो पेंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, थाईलैंड सोच रहा है क्रिप्टो मार्केट में आने की। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री चाहती है एक क्रिप्टो टूरिज्म एटमॉस्फेयर को बढ़ावा देना। वो चाहते हैं कि वो एक नया टोकन बनाएं और साथ ही साथ BTC पेमेंट्स एक्सेप्ट करना भी शुरू करें। आर्केन रिसर्च की रिपोर्ट के तहत सितंबर का महीना बिटकॉइन और एथेरियम जैसे कॉइन्स के लिए काफ़ी ख़राब गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स को नुकसान झेलना पड़ा। माना जाता है कि ये महीना एक रोलर कोस्टर की तरह गया। इस महीने में काफ़ी सारी बड़ी घटनाएं हुई जिसने क्रिप्टो मार्केट को हिलाकर रख दिया। वेरिफोन कंपनी ने बिटपे के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ट्रांजैक्शन रिस्क कम करने के लिए बिटपे बिटकॉइन पेमेंट्स को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा विया फिएट पेमेंट्स। इसका मतलब ये कि कोई भी कस्टमर अगर ट्रांजैक्शन करता है बिटकॉइन का इस्तेमाल करके, तो उस अमाउंट का वैल्यू US डॉलर में उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में एक एनुअल इनवाइट ओनली कोड कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्यूसडे को कैरा स्विशर के साथ एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा कि ग्लोबल गवर्नमेंट को क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को रेगुलराइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक रेड चेयर इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि क्रिप्टोकरेंसी को नष्ट करना संभव नहीं है, पर ग्लोबल गवर्नमेंट के लिए इसका प्रोग्रेस स्लो करना पॉसिबल है। जब उनसे पूछा गया कि क्या US गवर्नमेंट को क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को रेगुलराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा उन्हें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया में बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइस को देख के एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि वो पेट्रोल के हर गैलन पे $0.20 का डिस्काउंट देंगे अगर आप पेमेंट करते हैं बिटकॉइन चीवो वॉलेट से। ये ऑफर 14 अक्टूबर तक सीमित। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ओकेक्स ने मिलाए भारत के मशहूर क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज BitBNS के साथ हाथ, जिससे आने वाले समय में क्रिप्टो ट्रेडिंग हो जाएगी और भी ज़्यादा आसान। अगर आप एक इंडियन ट्रेडर हैं तो ओकेक्स पे जाके आप टेथर, चेनलिंक, USD और मैटिक जैसे कॉइन इंडियन करेंसी का यूज़ करके खरीद सकते हैं। स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के चेयरमैन एंड द ओनर ऑफ द NBA टीम द गोल्डन स्टेट वॉरियर्स बिलियनेयर चमात पलिहापित्या ने तर्क दिया कि बिटकॉइन ने प्रभावी रूप से सोने की जगह ले ली है। पलिहापित्या ने बुधवार को डिलीवरिंग अल्फा सम्मेलन के दौरान CNBC के स्कॉट वापनर से बात करते हुए कहा कि मेरे पास यहाँ पर आपको बैठ के कीमत की भविष्यवाणी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि बिटकॉइन ने प्रभावी रूप से सोने की जगह ले ली है।